इसलिए बुलाया है, देखो आज और अभी क्या हुआ, कल आप लोगों ने देखा होगा ग्वालियर में नव युवकों ने रेलवे स्टेशन और उसके आसपास में तोड़फोड़ की। क्यों तोड़फोड़ की पता है? एक योजना है आदमी क्या नाम है योजना का, उसके बारे में बहुत सारी भ्रांति चली है। तरह तरह के लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज स्टार्ट हुए, इकट्ठे हो जाओ, एकत्रित हो जाओ। देश जिले में भी क्योंकि अधिकांश युवा आर्मी की तरफ प्रेरित है, अपने देशभक्ति जनसेवा की भावना है जिले में, तो यहाँ मीटिंग बुलाने का औचित्य है कि भ्रांति में ना आए। अगर आपको कहीं कोई परेशानी हो रही है, कोई सही बात अपनी कहनी है, आपको लगता है कि अग्निपथ में कोई उस योजना में कोई गलत चीज है, तो उचित मंच पर जाके शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखें। किसी भी तरह का प्रदर्शन, किसी भी तरह की अवैधानिक भीड़ का हिस्सा अपन युवाओं को नहीं बनना है। अपने कंधे पर रख के अन्य कोई भी आदमी असामाजिक तत्व है वो गोली ना चला पाए, अपनी अशांति दूर ना हो, क्योंकि आप नगर परिषद समिति से जुड़े हैं, आप युवा भी हैं, इसलिए बुलाया कि गांव गांव जाके अपन को ये बात युवाओं को बतानी है कि भाई भ्रांति पर नहीं आना। भ्रांति में आने के फायदे क्या है? गुस्से में अपन यहाँ आ गए, कुछ भी अवैधानिक गतिविधि कर दी, साथ की संपत्ति को क्षति पहुंचा दी, पता चला अपने ऊपर केस दर्ज हो गया। केस दर्ज हो गया तो अपन कभी भी किसी नौकरी लायक ही नहीं रहे, कहीं जा ही नहीं पाएंगे, आपके जो सपने हैं सब धराय सारे ही हो जाएंगे। आपने उत्तेजना वर्ष फैसला ले लिया, तो इन चीजों में अपन को नहीं पड़ना है। अभी आप लोग जब जाओगे अपने अपने घर, अपने अपने मोहल्ले में जो लड़के आपसे जुड़े हैं, सबके बीच में मेरी बात हो गया कि ये बात अपन को करना है। दूसरी बात मुद्दा है चुनावों का। चुनाव का मुद्दा ये है कि चुनाव में अभी हम लोग सब जगह गांव में जा रहे हैं, गांव गांव में जाके जो प्रत्याशी जितने खड़े हुए हैं उनके जो समर्थक हैं उन सबको बाउंड ओवर करा रहे हैं। बाउंड ओवर क्या होता है कि आपसे हमने बाउंड भरवा दिया 50,000 रुपये का कि आप किसी भी अवैधानिक गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई भी अवैधानिक गतिविधि नहीं करेंगे, किसी भी तरह का अपराध घटित नहीं करेंगे। वो आपने बाउंड भरने के बाद उस तरफ देखा नहीं, किसी आदमी को धमका दिया, किसी की मारपीट कर दी, शराब का व्यवसाय करने में लग गए, बांटने में लग गए, पैसा बांटने में लग गए, तो फिर हम आपके खिलाफ सीधा 122 धारा होती है उसके तहत वारंट निकल रहे हैं, सीधा जेल भेज रहे हैं। चुनाव तो एक तरफ रह जाएगा, आप चले जाओगे सीधा जेल। तो इसलिए ये चीजें अपन को जाते वहाँ और भी समझानी है कि भाई आप पुलिस की निगरानी में हो, पुलिस एक एक गाँव में निगाह रखे हुए, कौन असामाजिक तत्व है, कौन भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक एक आदमी के टच में सब जानकारियां जुटा रहे हैं। ये प्रचार भी अपन को करना है कि भाई अवैधानिक गतिविधियों से दूर रहना है। अगर भाई चुनाव लड़ना तो दूर, अपन उस गांव में देख ही नहीं पाएंगे, पूरे सख्त है और सख्त कार्रवाई करेंगे।